Hello friends and welcome to the Talented Hand channel. What we have today with us is a very special car, that is Tata Nexon. This car has created a lot of buzz in this segment because it is a crossover, a compact SUV. This segment is rising in India, and what are the positives and what are the negatives of this car? एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके लिए स्पेशल सेक्शन जिसमें बताऊंगा गाड़ी के बेस्ट 7 फीचर्स, सो वॉच टिल एंड। आइए शुरू करते हैं। यहाँ आपको मिल जाती है एक बड़ी सी क्रोम लाइन फ्रंट में, जो इस गाड़ी को एक बड़ा सा स्माइल का लुक देती है। हनी क्रोम ग्रिल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाएंगे जिसमें लगे हुए हैं फी लाइन आई शेप DRLs, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पर आपको एक सिरेमिक मटेरियल मिलता है, प्लास्टिक वाइट सिरेमिक मटेरियल, जो फोगलम को कवर करता है, जिससे गाड़ी को एक ट्रेंडी लुक मिल रहा है। फ्रंट जो है गाड़ी का काफ़ी चंकी था, और वैसे ही जो है साइड प्रोफाइल है, जो रूफ लाइन है उसको कूप टाइप फैशन दिया गया है, जिससे गाड़ी काफ़ी जो है स्टाइलिश लग रही है। जो व्हील आर्चेस हैं वो काफ़ी मैसिव हैं, आपको टायर मिल जाते हैं 16 इंच के। जो सस्पेंशन ट्रैवल वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको ऑफ रोडिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। बम्स वगैरह काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा, यानी राइड क्वालिटी गाड़ी की बहुत अच्छी होने वाली है। LED OVRMs आपको यहाँ पे मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर, और साइड प्रोफाइल दूर से देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। वही वाइट लाइन, वाइट सिनेमिक लाइन जो है वो साइड में ही फॉलो हुई है, और एट द एंड भी वो फॉलो हुई है, जो कि डुअल जो स्प्लिट इसमें बैक लैंप्स दिए गए हैं वहाँ पर इसको हाईलाइट कर रही है। थ्रू आउट द बैक वो एक्स टाइप का जो एलिमेंट है वो गाड़ी को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहा है। पीछे से 3-टोन जो है इसका रियर है, जहाँ पर आपको मिल जाते हैं रियर पार्किंग कैमरा और रियर पार्किंग असिस्ट सेंसर्स के साथ, और क्लैडिंग मिल जाती है प्लास्टिक की, जो ऑफ रोडिंग टाइम पे काफ़ी यूजफुल होगी। यहाँ पर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सटीरियर, सो लेट्स स्टेप इन द कार एंड सी व्हाट्स देयर। आपको यहाँ मिलता है कीलेस एंट्री, एंड लेट्स स्टेप इन द कार। As soon as we enter the Nexon, it is the same Nexon what we have seen in Auto Expo. टाटा ने वहाँ पे प्रॉमिस किया था कि हम जो भी आपको ऑटो एक्सपो में दिखा रहे हैं, प्रोटोटाइप में दिखा रहे हैं, वही प्रोडक्शन मॉडल में भी कंटिन्यू होगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो टेक्सचर वहाँ हमने देखा था, प्लास्टिक मटेरियल जो हमने वहाँ देखा था, फिट एंड फिनिश जो हमने वहाँ पर देखी थी, 3-टोन हमने डैशबोर्ड देखा था वहाँ पर, सेम प्रोडक्शन मॉडल में लेके आए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉमिस रखती है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। हम शुरू करते हैं। स्टीयरिंग जो आपको मिलता है उसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, और ये जो है टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, यानी इसको आप अपनी हाइट के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये अब मेरी हाइट से एडजस्ट हो गया है, तो उसका जो पोजीशन है वो अच्छी है राइड क्वालिटी के हिसाब से। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ऑडियो के रिलेटेड कंट्रोल्स, कॉलिंग कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, और जो कंसोल है उसमें 2 डायल यूज़ की गई हैं, और बीच में दिया गया MID, जिसमें आपको 8 तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी रिगार्डिंग कौन सा डोर वगैरह खुला हुआ है, क्या माइलेज मिल रहा है, कौन से मोड में है, आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको MID पे मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ आपकी डैश की, तो वहाँ पर आपको मिल जाते हैं 4 AC vents, जो कि एक है पैसेंजर साइड्स पे, एक है रियर साइड पे, और 2 जो है सेंटर साइड में। डोर पे आपको मिल जाते हैं पावर विंडो के कंट्रोल्स, और हर डोर पर आपको मिल जाएगा 1 लीटर का बोतल स्टोरेज। इसमें अम्ब्रेला स्टोरेज दिया गया है, जिसमें आप गीला अम्ब्रेला स्टोर कर सकते हो, पानी जो सीधा बाहर निकल जाएगा, एक छोटा अम्ब्रेला इसके अंदर आराम से फिट हो सकता है। वहाँ पे मिल जाएगा आपको छोटा सा स्टोरेज, जिसमें आप टोल रिसिप्ट वगैरह या छोटे कॉइन्स। वहाँ सेंटर में आपको मिल जाता है 6.5 इंच का फ्लोटिंग डैश टॉप टच स्क्रीन, जो कि है हार्मन सपोर्टेड 8 स्पीकर सिस्टम, जो कि आपको काफ़ी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस देने वाला है। जो इल्यूमिनेशन वो काफ़ी अच्छा है, UI जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्लोटिंग UI है इसका, और जो ग्लेयर वगैरह है वो बिल्कुल कम है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश भी आपको मिल रही है, ब्लैक जो मटेरियल में यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट का DC चार्जर, OUX और USB जो है आपको पोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको चेंज करता हूँ इको मोड पे। इकोनॉमी ड्राइव मोड इज एक्टिवेटेड। तो ये वॉइस इनेबल्ड भी है, तो आपको नीचे देखने की अगेन जरूरत नहीं है, आपको पता पड़ जाएगा आप कौन से मोड में आ गए हैं। और तो अगेन ये सेगमेंट फर्स्ट फीचर है, जहाँ पर आपको मिल रहा है मल्टी ड्राइव मोड, तो यहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से सेट करके पावर और एफिशिएंसी का अच्छे से बैलेंस बना सकते हैं। जो एक और मोड है इसमें वो है स्पोर्ट मोड। ड्राइव मोड इज एक्टिवेटेड। स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो गया है, जो इंजन का जो पूरा पावर है वो आप इसी मोड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। सेंटर में आपको मिल जाता है स्टोरेज एरिया, जिसमें स्लाइडर लगा हुआ है, और यहाँ पर 2 बोतल होल्डर्स भी हैं, और जो स्टोरेज एरिया है वो डिसेंट है, इतना लार्ज इनफ है। जो मैग्नेटिक लीड आपको मिल जाती है, रियर आर्मरेस्ट के नीचे भी स्टोरेज दिया गया है। जो फिट एंड फिनिश अगेन यहाँ पर है वो काफ़ी अच्छी है, जिसमें प्लास्टिक जो हाई क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ किया गया है, और पियानो ब्लैक फिनिश इसको दिया गया है, जो कि गाड़ी को एक प्रीमियम लुक दे रहा है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो ग्लव बॉक्स है वो भी बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स इसमें दिया गया है, जिसमें काफ़ी सारे ट्रेज वगैरह स्टोरेज कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। 2 बोतल होल्डर्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, कप होल्डर्स। इसमें एक टाइगर एम्ब्रॉस किया गया है, जो एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। द फ्रंट सीट्स ऑफ नेक्सॉन आर वेरी कंफर्टेबल, द कुशनिंग इज वेरी एप्रोप्रिएट, इट गिव्स द प्रॉपर सपोर्ट टू द थाइज एंड टू द लंबर।
जो हाइट है इस गाड़ी की वो है 1607 mm, जो मुझे काफ़ी अच्छा हेडरूम भी वहाँ पर मिल रहा है और लेगरूम वगैरह में भी कोई भी कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। आई एम 5'7" स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ हेडरूम आउट देयर। जो नी रूम है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ। द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कम्फर्ट एंड स्पेस इज राइट फॉलोड एट द बैक टू। दिस कार हैज़ गॉट 2498 mm लॉन्ग व्हील बेस एंड दैट्स वाई आई एम गेटिंग दिस मच ऑफ लेग रूम एंड द नी रूम। जो नी रूम है वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है और इस कार की विड्थ है 1811 mm, तो तीन लोग काफ़ी कंफर्टेबल इस तरीके से उसमें बैठ सकते हैं। थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पर और ये कार जो स्लोपिंग रूफ होने के बावजूद भी बहुत सारा हेडरूम भी वहाँ पर आपको मिल जाता है, तो कंफर्ट है वो बहुत बढ़िया है। उस कंफर्ट को बढ़ा रहा है रियर एसी वेंट्स जिसमें एडजस्टर्स लगे हुए हैं जिससे आप जो है ब्लोअर के जो फ्लो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और ये भी सेगमेंट फर्स्ट फीचर इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको मिल जाता है रियर सेंटर आर्मरेस्ट जिसके अंदर दो कप होल्डर्स हैं जो उसके कंफर्ट को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल जो बैक का कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 350 लीटर्स ऑफ बूट जो उसके कंपटीटर विटारा ब्रेजा फोर्ड इको स्पोर्ट से ज़्यादा है और फ्लैट बोर्ड होने की वजह से लोडिंग में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह से बहुत ही बेहतरीन जो है फीचर्स गाड़ी में आप इस गाड़ी मिल जाता है। आपको दो इंजन वेरिएंट जो कि है 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर टर्बोचार्ज रेवोट्रॉक डीजल इंजन विच विल प्रोड्यूस 110 पीएस ऑफ पावर एंड 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। जो पावर बैंड काफ़ी लीनियर है तो आपको फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स आपको नहीं करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं जो काफ़ी स्पेशल सेगमेंट है हमारा कि इस गाड़ी में 7 बेस्ट फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो उसको काफ़ी सारे ट्रेंडिंग कलर्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। सेफ्टी फीचर है स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स ABS प्री टेंशन के साथ आपको सीट बेल्ट और आइसोफिक्स का चाइल्ड लॉक आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सेगमेंट फर्स्ट फीचर की। इस गाड़ी में आपको मिलते हैं मल्टी ड्राइव मोड्स, एक अम्ब्रेला स्टोरेज, एक्टिविटी की, 3-टोन इंटीरियर्स, स्टिफर चेसिस, दो इंजन वेरिएंट्स और 350 लीटर ऑफ बूट। जो सो ओवरऑल इट्स अ वेरी स्टेबल एंड अ इम्प्रोवाइज्ड पैकेज फ्रॉम टाटा। ऑल द वेरी बेस्ट टू टाटा नेक्सॉन। आपको वीडियो पसंद आए तो उसमें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपको कार कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन ताकि कोई भी नई अपडेट ना भूले। टिल देन ड्राइव सेफ, जय हिंद एंड गुड बाय।